हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, पहले से काफ़ी रिलैक्स है मुझे भी और मेरी बेटी को भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की एक सुंदर सी अनबॉक्सिंग के साथ। तो मैंने एक आइटम मंगवाया है जो कि मेरा टॉप मोस्ट फेवरेट आइटम है। और अगर आप मेकअप या कॉस्मेटिक आइटम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं लाइक मी, जैसे मैं रखती हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो उनमें से मेरा सबसे फेवरेट है परफ्यूम। परफ्यूम छोटे हों चाहे बड़े हों, कोई भी मैं यूनिक सा या अच्छी सी स्मेल वाला जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है मैं अगर देख लेती हूँ तो मुझे इतना मतलब वो अट्रैक्ट करता है अपनी साइड कि मैं उसको खरीदे बिना रह ही नहीं पाती हूँ। तो मैं ऑनलाइन जब बहुत दिनों पहले एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया तो ऊपर से मैंने जैसे ही खोल के देखा तो ये काफ़ी अच्छे रीजनेबल अमाउंट में 2 के पैक में आ रहा था। क्योंकि इस समय आप सब जानते ही हैं दिवाली का ऑफर चलता है हर एप्लीकेशन पे, चाहे आप मार्केट से खरीदिए चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करिए। मोस्टली टाइम तो मैं यही कहूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग करने पे ही हमें अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो मुझे बहुत बढ़िया डिस्काउंट इसके ऊपर मिल गया था और ये 2 के कॉम्बो में था, तो मैंने इनको तुरंत बाय कर लिया। और इसका कलर और बॉटल की शेप दोनों ही बहुत अच्छी है, और जब खोल के इसकी खुशबू को मैंने फील करके देखा ना तो मैं आपको क्या ही बताऊं, तो मुझे बहुत पसंद आई। मैं परफ्यूम मेरे पास बहुत सारी रेंज में हमेशा रहते हैं, चाहे वो सस्ते हों चाहे वो महंगे हों, जिनकी स्मेल अच्छी होती है बस वो परफ्यूम मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। शॉपिंग के साथ साथ दोस्तों घर की सफाई का भी काम चल रहा है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि लगभग 10 से 12 दिन हो गए मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। तो मैं घर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, हालांकि उससे पहले मैंने काम स्टार्ट कर दिया था दिवाली की सफाई की तरह काम करना, पर अचानक से बीच में तबीयत ख़राब हो गई। तो मेरा घर इस समय इतना फैला हुआ है कि मेरे को एक एक चीज़ को साफ़ करने में और चीज़ों को दोबारा से एकदम रूटीन वाली सफाई करने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाए। तो आज मैंने टारगेट लिया है कि अच्छे से एक बार झाड़ू लगा के पोछा फटाफट से घर में लगा दूं, क्योंकि अभी मुझे अपनी बेटी की भी देखरेख करनी पड़ रही है। उसकी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है कि वो अभी उठ के सारे काम खुद कर ले, क्योंकि वो काफ़ी जगह मेरी हेल्प करवा देती थी सफाई करते हुए जब वो घर पे होती है। फिलहाल स्कूल खुले हुए हैं पर मैं उसको अभी स्कूल नहीं भेज रही हूँ। और साफ करते करते एक एक कोना एक एक चीज़ में अब एक एक चीज़ को साफ़ अच्छे से करना आप शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरा टारगेट यही चल रहा है कि बीमारी की वजह से जितने दिन अभी डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो तो चलिए खैर अलग बात है, क्योंकि समस्याएं जीवन में आती ही रहती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। पर ऐसा तो है नहीं कि उसकी वजह से हम बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे या उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो अब जो हुआ सो हुआ, अभी प्रॉब्लम आई ठीक है, उससे लड़ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही रहे हैं। वो धीरे धीरे समय रहते रहते अब बेटी की तबीयत ठीक हो ही जाएगी। इस समय देखिए यहाँ पर वो घर पर ही थी तो मैंने उसको बोल दिया कि आओ थोड़ी सी देर, उठो वहाँ से, तुम शूट कर दो यहाँ पे बैठ के, ताकि उसका मूड भी फ्रेश रहे। हालांकि पहले से कुछ तबीयत ठीक है पर बहुत अच्छे से अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ा बहुत मेरे साथ इन्वॉल्व होगी ना तो उसका मन चेंज हो जाएगा और जल्दी ही ऐसी हालत में हो जाएगी कि मैं उसको स्कूल भेज सकूँ। तो वैसे मैंने आज सोचा है कि अगर वो ढंग से खा पी ली और एनर्जेटिक दिखाई दी मुझे कि हाँ उसके अंदर थोड़ी सी अच्छी एनर्जी है, अब बैग वगैरह वो उठा सकती है, बैठ सकती है 2-4 घंटे स्कूल में, तो मे बी शायद मैं कल उसे स्कूल भेजूँ। पर आज तो अभी छुट्टी करवाई ही थी। और यहाँ पर मैं जैसे आपसे डिस्कस कर ही रही हूँ कि दिवाली की सफाई में मैं लगी भी थी तो बीच में छूट गई थी पर अब शुरू कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेन गेट की एंट्री पे ही इधर शू रैक रखा हुआ है। तो जब झाड़ू वाड़ू लगा ही रही थी तो सोचा कि चलो लगे हाथ ये वाला काम कर देती हूँ ख़त्म, तो ये शू रैक पहले ठीक कर दिया। और इसके अंदर मैं काफ़ी चीज़ें रख देती हूँ जिससे इसकी स्मेल जो होती है ना जूतों की वो ज़्यादा नहीं आती। शू जूतों में चप्पलों में कुछ ना कुछ स्मेल रहती है, और जितने भी शू शाइनर ब्रशेस वगैरह होते हैं वो सब भी इसी जगह एक ही साइड रखती हूँ। और कुछ 3-4 चप्पल मेरी ऐसी हैं जो मेरी बहुत पुरानी नहीं थी और मैंने वो थोड़ी थोड़ी सी जगह से वो टूट गई हैं, तो उनको मेरे को लेके जाना है ठीक करवाने के लिए। और साथ में ये जो नैपथिन टैबलेट्स होती हैं ये भी मैं एक आध एक या दो कभी कभी शू रैक के अंदर रख देती हूँ ताकि इनकी स्मेल नहीं आए और कभी इसको खोलें तो ये हमेशा महकता ही रहे। और एक पोर्शन मैंने अभी खाली कर लिया है, तो ये कुछ मेरी चप्पल हैं
जो अभी टूट गई हैं इनको मुझे ठीक करवाना है। हो सकता है आज ही मैं टाइम निकाल के जाऊं मार्केट और ये सारा काम भी मैं करूंगी। तो चलिए ऐसे ही करते करते एक एक चीज़ घर की साफ़ हो जाती है और इसी तरह घर की क्लीनिंग हो जाती है, दिवाली की सफाई हो जाती है। अब इस काम को मैं निपटा के थोड़ी देर बैठेंगे और फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह इन्जॉय करेंगे। जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो बच्चों के नखरे कुछ ज़्यादा बढ़ ही जाते हैं, पहले तो रहते ही हैं पर तबीयत ख़राब होने के बाद थोड़े से और बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि बेचारे दवाई खा खा के उनका मुंह का टेस्ट इतना ख़राब हो चुका होता है कि बहुत सारी चीज़ों से वो भागने लगते हैं। तो फ़िलहाल मेरी बेटी का खुद कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी नहीं करता है। बहुत मुश्किल से धीरे धीरे उसे मैं खिला रही हूँ ताकि उसको वापस अपनी रूटीन में, अपनी एनर्जी में लौटने के लिए ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, वो जल्दी लौटे और फटाफट से स्कूल के काम शुरू करें, क्योंकि के साथ बातें करेगी और फिर कोई वर्क जो भी अभी स्कूल में हुआ है वो लेगी, पर उससे पहले थोड़ा सा फ्रूट खा लेगी तो उसे एनर्जी